करने के लिए कवायद अब तेज कर दी गई है। दरअसल एमओयू को धरातल पर लाने के लिए रोज अब समीक्षा होगी और समझौते को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इकाई का गठन किया गया है। आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण में हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लाने के लिए कमेटी और निदेशक पशुपालन की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। डेयरी सेक्टर में 35,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। निदेशक पशुपालन की अगुवाई में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़े हुए हैं। संदीप, 3 दिनों तक हमने देखा कि किस तरह से जो निवेश का जो एक मेला था वो लगा हुआ था, अब उसको धरातल पर लाने की भी कवायद शुरू हो गई है। क्या अहम जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आपने कहा निवेश का एक मेला, लेकिन जो निवेशक यहाँ पर पहुंचे थे उनका कहना यह था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो निवेश का एक महाकुंभ है। क्यों? क्योंकि देखिए 10 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो लक्ष्य उसका 3 गुना से ज्यादा यानी 35 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है वो निवेश का पहुंचा था। यानी जो विदेशी निवेशक देशी निवेशक यहां पर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से, उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल निर्देशन के और उसी के साथ साथ जो कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का नियंत्रण है उससे वो उत्साहित नजर आए थे और अपनी सुरक्षा का उनको एहसास हुआ था। खुद उनका कहना यह है कि पहले हमें असुरक्षा का भय रहता था, अब देखिए जिस तरीके से एमओयू साइन हो चुके हैं, अब एमओयू को ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से लाना है। जिस तरीके से अभी आपने ही बताया कि पशुपालन विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, यानी जो निवेश के प्रस्ताव जो एमओयू साइन हो चुके थे अब उनको किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना है, उन पे किस तरीके से काम शुरू कराना है और इस पर मॉनिटरिंग किस तरीके से होनी, क्योंकि हवा में कोई बात नहीं होनी है कि एमओयू साइन हो गए काम होता रहेगा, क्योंकि देखिए समय भी कम है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और योगी सरकार भी ये चाहती है कि जो एमओयू बिल्कुल हवा में कोई काम नहीं होगा, उसको लेकर जो कवायद है वो शुरू